हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल ऑफ यू वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको बताने वाला हूँ क्लीनर के सैलरी कुवैत में कितने हैं। तो वही टॉपिक में आज बात करूँगा गाइस, क्योंकि बहुत कोई ऐसा बंदा है जो मेरे को मैसेज करता है ऐसा जो क्लीनर का सैलरी कितना होता है उधर कुवैत में, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि क्लीनर में जाएगा तो सैलरी कितना मिल सकता है। तो वही टॉपिक में आज आया हूँ गाइस। चलो गाइस टॉपिक में चलते हैं। उससे पहले गाइस, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप का टॉपिक ब्लॉगिंग ये सब आते रहेगा, कुकिंग भी आते रहेगा इस चैनल में। सो गाइस चलो चलते हैं। देखो गाइस, आप लोग एक बात याद रखना, कभी भी या कुवैत या कोई भी, कुवैत में नहीं कोई भी गल्फ कंट्री कहीं पर भी आप ट्राई करो कि क्लीनर से छोड़ के दूसरा इसमें जाओ। नहीं, क्लीनर में सैलरी अच्छा है, जैसे आपको इंडिया का 45 ऐसा मिल सकता है, 30 मतलब 40 से ऊपर ही मिल सकता है। अच्छा कंपनी में आओगे तो, अच्छा कंपनी बहुत है सब, वो सब में आओगे तो आपको मिलेगा। मैं दूसरा वीडियो में डाल दूंगा जो कौन कौन सा कंपनी इधर सबसे अच्छा है सैलरी, वो वीडियो आएगा, वो वाला भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा वीडियो चाहिए, उसके हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलो गाइस ये वाला टॉपिक में चलते फिर। देखो गाइस, मैं ज़्यादा मोस्टली बांग्लादेशी देखा है, बांग्लादेशी भाई लोग एंड नेपाली, ये ज़्यादा मोस्टली मतलब 80% देखा है बांग्लादेशी एंड 10% ऐसा वो सब। ज़्यादातर मैं बांग्लादेश और नेपाली ये सब ज़्यादा मैं यहाँ पे क्लीनर देखा हूँ, जो आपने यहाँ पे भी काम करते वो सब ज़्यादा बांग्लादेश का है नेपाल का है। तो गाइस वो लोग कितना में 12 घंटे ड्यूटी करता है, 12 घंटे, हाँ 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसमें वो लोग को मिलता है सिर्फ यहाँ का 110 KD। वो बंदे लोग ओवर टाइम करते हैं तो लग रहा है टोटल वो 200 तक लेके आते हैं यहाँ का 200 KD। तो गाइस वो लोग कितना खर्चा करते हैं, 5 लाख 6 लाख खर्चा करके आते हैं। स्पेशली मैं बांग्लादेश के लिए बोल रहा हूँ, जो बांग्लादेशी भाई लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं वो लोग को वो जितना बोलते हैं जो इतना दे के आया हूँ, कोई बोलते हैं मैं 5 लाख, कोई बोलता है 6 लाख 7 लाख दे के आया हूँ कुवैत में, तो उतना खर्चा होता है बोला है गाइस। तो वही बोल रहा हूँ गाइस, मैं तो इंडिया का कम देखा हूँ तो इसलिए इंडिया का तो उतना बोल ही पाऊँगा, जो इंडिया का है आदमी यहाँ पे भी है जैसे 12 घंटा काम करता है तो 190 KD, 190 KD कितना होता है इंडिया का, आपका पकड़ लो 190 KD, वैसे ही 44,000 ऐसे ही तुम्हारा 100 KD में इंडिया का 24,000 जैसा होता है, तो उसका 24,000 जो आप 48 तो 45 पकड़ लो, 45 ऐसे ही आता है। तो 45 में आपका खाना फिर हो जाता है तो आपका लिविंग कॉस्ट ज़्यादा हाई हो जाता है, फिर यहाँ पे गल्फ कंट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिविंग कॉस्ट कुवैत में है। तो गाइस कभी भी ट्राई करो, आप जब भी आओ कोई कौमी या कोई अच्छा क्लीनर में आओ, बट अच्छे कंपनी में आओ, जैसे मैं और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन कौन सा सबसे अच्छा कंपनी है कुवैत में। तो गाइस कभी भी ट्राई करो कोई अच्छा कंपनी, जैसे मेरा एक कंपनी का बात करूँ, आपने जो कंपनी है वो उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी देता है कुवैत में, सबसे ज़्यादा सैलरी देता है जो अपना कंपनी सबसे ज़्यादा, तो अपना भी सैलरी ज़्यादा है। जो यहाँ पे क्लीनर है तो क्लीनर दूसरे कंपनी से हायर करता है, वो लोग सैलरी बहुत कम देते हैं। आप लोग कोई भी आना चाहेगा तो यही ट्राई करो कि कुवैत में आते टाइम सैलरी कभी भी पोजिशन अच्छा होना चाहिए, क्लीनर में आओ बट क्लीनर भी कंपनी जो अच्छा रहे उसमें आओ, क्योंकि इधर आके आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो 30,000 जैसे वो लोग कितना 110 KD कमाते हैं 12 घंटे में, 110 KD इंडिया का कितना होता है 24-30 हज़ार, वही 30 हज़ार तक होगा, 30 हज़ार भी नहीं होगा लग रहा, कम ही होगा। तो 30 हज़ार में आपका इंडिया में हम लोग का 30 हज़ार में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका फिर खाना रहेगा, रूम तो दे देगा, रूम एकोमोडेशन ये सब तो दे देगा, एकोमोडेशन दे देगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन दे देगा, बट उतना कम रहेगा ना तो उतना में होगा नहीं। तो मैं ही कोई भी आदमी मेरे को जैसे मैसेज करता है, अरे बोलता है कि इतना सैलरी थोड़ा कितना है उधर सैलरी, तो मैं ही रिफरेंस करूँगा कोई भी आदमी आएगा, तो ट्राई करो कि आपका सैलरी कमी अच्छा पोजीशन में आओ, कभी ट्राई करो कि अच्छा पोजीशन क्लियर में आओ बट अच्छा कंपनी में आओ, तो क्योंकि 3 साल के बाद आप दूसरा कंपनी में कोई कहीं पर भी जा सकते हो। और एक चीज़, जाते टाइम वीज़ा अच्छे से चेक कर लेना कौन सा वीज़ा दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का जो वो लोग बात कर रहे हैं वो लोग चेंज भी नहीं कर सकते, वो दूसरा जा भी नहीं सकता है, दूसरा जाएगा तो होगा नहीं, वो लोग का कौन खादा में वीज़ा ना क्या वीज़ा बोलते हैं, क्योंकि वो लोग का वीज़ा चेंज नहीं हो सकता, चेंज भी होगा तो सिर्फ क्लीनरी में चेंज होगा दूसरा। और अपना क्या वर्क वीज़ा है, वर्क परमिट है, कहीं पर भी जाए अपना 80 नंबर वीज़ा है, नो प्रॉब्लम, हाँ मेरे को ले लेगा। तो इसलिए गाइस आप लोग प्लीज़ ट्राई करो, क्योंकि आते टाइम क्लीनर में आओ बट अच्छी कंपनी जो
वर्क भी वर्क मतलब वर्क वीज़ा मिले, जहाँ आपका 3 साल के बाद कहीं पे भी फिर आप जा सकते हो। तो ओके गाइस, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आते रहेगा। ओके गाइस, बाय।